नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजनीति के इस विशेष प्रस्तुति में आज हम चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और संयुक्त विपक्ष अर्थात इंडिया किस तरीके से सक्रिय है, और इंडिया के खिलाफ एक नारा जो प्रधानमंत्री की तरफ से 9 अगस्त को दिया गया उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन इंडिया की मजबूती पर हम विश्लेषण करते समय इस खबर की चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि दिल्ली पर जो बिल अभी पास हुआ है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये मान लिया है कि केंद्र ने उनको हरा दिया है, बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया है, विशेष करके खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का साथी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, इन तीनों को खत लिख करके उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ये वादा किया कि भविष्य में जब भी संविधान बचाने का कोई भी मामला या मुद्दा आएगा तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे। अर्थात जो केजरीवाल अभी कुछ महीनों पहले तक भावी प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहे थे और कांग्रेस से उनकी एक तल्खी बनी हुई थी, और जब बिहार में पहली बार संयुक्त विपक्ष की एक बैठक हुई थी उसमें केजरीवाल चले आए थे, उसमें कांग्रेस के प्रति एक नाराजगी थी, लेकिन संसद में जो चर्चा हुई, जिस बिल पर चर्चा हुई और जो विधेयक पारित हुआ उसके बाद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा, अर्थात आपकी सरकार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने उनका साथ दिया इसके प्रति उन्होंने आभार जताया है खड़गे का और राहुल गांधी का, और चिट्ठी लिखकर के उन्होंने वचन भी दिया है कि वो हमेशा साथ रहेंगे और इस बात को भूलेंगे नहीं कि बड़े मुश्किल समय में कांग्रेस ने उनका साथ दिया है। और अगर केजरीवाल अपनी बात पर अटल रहते हैं तो आने वाले समय में जब 2024 का चुनाव होगा और इंडिया के बैनर के तले ये सारे विपक्षी दल चुनाव के मैदान में जाएंगे तो सीट शेयरिंग को लेकर के कोई जो फार्मूला तय होगा उसमें केजरीवाल पंजाब और दिल्ली को लेकर के क्या कोई जिद करते हैं और कांग्रेस को उसके वजूद में रहने देना चाहेंगे या नहीं, ये तय हो जाएगा। फिलहाल जो खत उन्होंने लिखा है इससे इतना तो साफ हो गया कि कम से कम कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर जितना मजबूत है उसको केजरीवाल ने फिलहाल स्वीकार किया है, ऐसा कहा जा सकता है। तो विपक्ष की राजनीति के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी हार है जो कांग्रेस की तरफ से दिखती है और जिसको केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया, ये राजनीति की वो प्रमुख बात है। और दूसरी तरफ जब इंडिया अर्थात INDIA पूरे देश में एक संयुक्त विपक्ष का प्रमुख मंच और एक नारा है कि इंडिया जीतेगा, NDA पर प्रभावी होगा, उस पर प्रधानमंत्री ने इंडिया नाम आने के बाद ही जिस तरीके से राजस्थान की एक रैली में क्विट इंडिया का नारा दिया, अब उन्होंने बाकायदा उस नारे को और मजबूती देते हुए, उसको बड़ा आधार देते हुए 9 अगस्त को बाकायदा एक ट्वीट किया जिसमें क्विट इंडिया का नारा प्रभावी किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, और भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद वंशवाद क्विट इंडिया, इसका भी नारा प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया है। और NDA के सभी घटक दलों के नेताओं और अपने सांसदों विधायकों और पार्टी के नेताओं से उन्होंने आग्रह किया है कि इस नारे के साथ वो आगे जाएं और उन मुद्दों को आगे रखें कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में उनके कई बड़े नेता पाए गए हैं लिप्त, वो चुनाव के दौरान पूरी तरीके से निशाने पर होंगे। और क्विट इंडिया के नारे के साथ प्रधानमंत्री ने एक बड़ा वार जो राजस्थान की एक रैली से किया था, अब ट्वीट करके 9 अगस्त के दिन उन्होंने उस नारे को अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा नारा और एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, ये कहा जा सकता है। जो भी हो, इस पूरे मामले के परिप्रेक्ष्य में एक बात तो हम देख सकते हैं कि संसद में जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में जो चर्चा का कंटेंट रखा जा रहा है, विषय वस्तु रखी जा रही है,
उसमें मणिपुर क्यों इतना आक्रांत स्थिति में आया, वहां की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई, मणिपुर क्यों जल उठा, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर क्या उदासीनता बरती गई, इसका कोई जिक्र और उस जिक्र के करने के दौरान उस पर कोई डाटा अर्थात कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है अभी तक फिलहाल। और ऐसे में सत्ता पक्ष को एक बड़ा एज अर्थात फायदा मिलता हुआ दिख रहा है कि वो उस मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं कि आखिर में ये जो बातें कही जा रही हैं और हेट्रिड फैलाने की बातें जो बहुत सालों से की जा रही हैं, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उसी बात को सामने रखा जा रहा है, जबकि मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के वस्तु स्थिति पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। निश्चित रूप से जब गृह मंत्री इसका जवाब देंगे और प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे तो उन तथ्यों का जिक्र करेंगे। और सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं और अन्य घटक दल विपक्षी दल जो भी उनके नेता बोल रहे हैं उसका विश्लेषण और उनके बातों का जिक्र करते हुए उसका जवाब दिया जाएगा। इतना तो तय है कि जिस अंदाज में राहुल गांधी पहले दिन आकर के बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोल पाए, और बुधवार के दिन जब वो सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने जिस अंदाज में और जितने तथ्य प्रस्तुत किए वो बहुत ही सतही लगे, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ भारत माता की हत्या हो रही है इतनी बात कह करके मणिपुर के पूरे समस्या के मामले का इतना सामान्यीकरण किया गया, शायद सत्ता पक्ष को इसका फायदा मिल गया है जो जवाब के दौरान वो कहेंगे। और राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन में अपने संभाषण को खत्म करने के बाद फ्लाइंग किस देते हुए बाहर गए और वो राजस्थान के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, इससे इतना साफ हो गया कि सदन में चर्चा के दौरान अपनी बात को रख देने के बाद अगर स्मृति ईरानी खड़ी हुई तो वो क्या कह रही थी इसको भी उन्हें सुनना चाहिए था या सदन में कुछ देर बैठना चाहिए था। राजनीति की दशा और दिशा जिस तरफ जा रही है ये समझा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव तो ला दिया गया, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान शीतकालीन सत्र में सरकार को जिस अंदाज में और जिस विषय वस्तु के साथ जिन तथ्यों के साथ आलोचना की जा सकती थी, सरकार को घेरा जा सकता था, फिलहाल विपक्ष संयुक्त विपक्ष INDIA के बैनर तले जिस तरह से इकट्ठा होकर के इन बातों को आगे बढ़ा रही है वो फिलहाल बढ़ा पाने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं दिख रही है। और इसका जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे तो शायद ये पता चल जाएगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ सरकार को घेरने की एक बड़ी रणनीति के तहत पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा फायदा विपक्ष को नहीं मिला। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए राहुल गांधी ने संसद में एक बार फिर इस बात का ऐलान कर दिया कि वो भारत यात्रा पर निकलेंगे और अब की गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे। और इस यात्रा के पूरा होने के बाद 2024 का जो चुनाव का माहौल होगा, उसका जो एजेंडा होगा, उसके जो मुद्दे होंगे, उसको भी विपक्षी नेता के तौर पर, प्रमुख विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी उठा पाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को पौराणिक आख्यानों के जरिए उनको रावण जैसे नाम से अभिहित करना, संबोधित करना शायद ये उचित नहीं है। संसद की गरिमा बनाए रखकर विपक्ष के एक संयत और वरिष्ठ नेता के तौर पर राहुल गांधी को मणिपुर के मुद्दे पर जिस अंदाज में सरकार को घेरना चाहिए था वो घेर नहीं पाए, और इसमें यही दिखाई पड़ता है कि विषय वस्तु की या पूरे मामले की वो जानकारी उन तक या तो पहुंच नहीं पाई, उसका वो विश्लेषण नहीं कर पाए, और ऐसा न होने के कारण वो संसद में उसे प्रस्तुत नहीं कर पाए। शायद ये कहा जा सकता है कि मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव को पेश कर कांग्रेस बुरी तरह फंस गई और उसका कोई विशेष फायदा शायद ही कांग्रेस को मिले। रही बात विपक्षी एकता की, तो दिल्ली पर लाए गए बिल पर जिस तरीके से संयुक्त विपक्ष वोटिंग में साथ खड़ा हुआ, ये एक प्रमुख ऐसी बात कही जा सकती है जो फिलहाल इंडिया को
मजबूती देता हुआ दिख रहा है। फिलहाल वीके न्यूज में इतना ही। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।